हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये डोरमेट रेडी करेंगे। ये डोरमेट मैंने, जैसे हमारे पास पुरानी टी शर्ट्स होती हैं जहाँ हमें कोई पसंद नहीं होती, या दुपट्टे होते हैं जहाँ हमारी ड्रेसेस होती हैं, उनसे मैंने ये डोरमेट रेडी किया है। देखिए कितना प्यारा हमारा लग रहा है। इस डोरमेट की जगह हम ये मैंने डोरमेट बनाया है, आप चटाई भी बना सकते हैं, दरी भी बना सकते हैं, कुछ भी अपनी इमेजिन से बना सकते हैं। डोरमेट बनाना शुरू करते हैं। डोरमेट हम पुरानी जो टी शर्ट्स होती हैं हमारे पास पड़ी रहती हैं, ऐसे ही बहुत सारी, उनसे बनाएंगे। बहुत ही सुंदर हमारा डोरमेट बनेगा। जैसे ये मैंने टी शर्ट्स ली हैं, आप अपने हिसाब से जो भी कलर कम्बिनेशन बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे ये हमारी टी शर्ट है, तो टी शर्ट को हम ऐसे, ये हमारा नीचे का पार्ट है, यहाँ से हम बराबर रख के ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सिलाई का पार्ट है, इसको हम कट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा सिलाई है, इतना इतना डबल है, यहाँ से हम ऐसे निशान लगा के इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये निशान लगाया है, ये हम ये पार्ट कट करके अलग कर लेते हैं। अब ये मैंने कटिंग कर दी है, यहाँ पर हम 1 या 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जितना मोटा हमें रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये निशान मैंने लगा लिया है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से इसी साइज की हम आगे आगे स्ट्रिप्स काटते जाएंगे। जैसे ये कपड़ा रख लिया है मैंने ऊपर, इसको हम इसी के हिसाब से कट कर लेंगे। ऐसे हम स्ट्रिप्स काटेंगे। ये हमारी स्ट्रिप्स कट गई है, इसको हम ऐसे, ये हमारी सिंगल हो गई है, अभी इसको हम ऐसे खींच लेंगे तो हमारी इस तरह से बन जाएगी। बहुत लंबी स्ट्रिप्स बनेगी हमारी। ये स्ट्रिप्स ऐसे खींच के हमारी इतनी लंबी हो गई है, ये इतनी थी हमारी, ये इतनी लंबी हो गई है। ये भी हम ऐसे खींचेंगे तो हमारी एकदम लंबी हो जाएगी। ये हमारी 2 लंबी स्ट्रिप्स बन गई है। अब ये ज्वाइन है हमारा, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये काट के मैंने ऐसे अलग कर ली है दोनों, जो ज्वाइंट है हमारा मोटा आता है। अगर हमें ज्वाइन करना है, इसे लंबी स्ट्रिप्स बनानी है, तो हम यहाँ से इस कॉर्नर से ऐसे कपड़े को काटेंगे और ये हमारी दूसरी स्ट्रिप्स है, इसको हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इसको भी हम 1/2 इंच की दूरी पे सेंटर में ऐसे कट लगाएंगे। ये हमारा कट लग गया है। अब ये जो हमारी स्ट्रिप्स है, इसको हम इसमें से ऐसे क्रॉस करेंगे। ये हमारा इस तरह से ऐसे बनेगा। ये हम पता भी नहीं चलता हमें कि ये नोट आई है, जब हम बनाएंगे डिज़ाइन तो ये हमारा अंदर रहती है। इस तरह से हमारी ये लंबी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। इस तरह से हम अलग अलग कलर की ये स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और ऐसे खींच के हम रेडी करेंगे। अब मैं इन स्ट्रिप्स को रेडी करना बताऊंगी। ये मैंने 2 इस कलर की ली है और 1 ऐसे ली है, इन तीनों को हम मिला लेंगे और यहाँ पर मैं इनको सेट करूंगी। ये तीनों स्ट्रिप्स हम ऐसे इक्वल रखेंगे और यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है, ये हमारा हिलेगा नहीं इससे। अब हम इसको रेडी करेंगे। जैसे ये है, हम अपनी चोटी बनाते हैं उस तरह से हम ऐसे बनाते जाएंगे। ये हमारा रेडी हो जाएंगी स्ट्रिप्स, फिर ऐसे बनाते जाएंगे। टाइट रखना है हमें बनाते टाइम इसे। ये बनाना एकदम इजी है। जैसे ये साइड हम ऐसे लेंगे और ये हमारा दूसरा ऐसे आएगा इस तरह से, ऐसे हम पूरा बना के रेडी करते हैं। ये मैंने रेडी कर ली है बना के। ये डोरमेट मैं मल्टी कलर का बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये मल्टी कलर में सब ऐसे बना के रख लिए हैं, ज़्यादा हमें बनानी पड़ेंगी तो। इन ये हमारी रेडी हो गई है, अब हम इनको कपड़े पर सेट करेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, थोड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे चारों ओर से। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, अब हम ये उल्टा ही रखेंगे, ऐसे हम सिलाई लगाएंगे तो ये उल्टा पार्ट है हमारा। ये कपड़ा हमारा रेडी हो गया है, अब हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे मैंने लगा दी है कॉर्नर में। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा इधर छोड़ेंगे और 1 इंच इधर छोड़ेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ। ये स्ट्रिप्स मैंने लगा दी है, हम मशीन का बड़ा टांका कर लेंगे फिर लगाएंगे ये स्ट्रिप्स।
अब ये दूसरी स्ट्रिप्स हम लगाएंगे यहाँ पे, एक इंच बाहर को छोड़ेंगे इधर और इधर, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने ये स्ट्रिप्स लगाई है, इसके बाद दूसरी ये लगाई है इस कलर की। इस तरह से हम कलर को सेट करके स्ट्रिप्स को लगाते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे। तो पूरे में हम ऐसे ही स्ट्रिप्स लगाते हैं। अब ये सारी स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे सिलाई करके लगा दी हैं। अब ये हमारी लास्ट में है, जैसे ये लास्ट कपड़ा है तो यहाँ पे हम ये हमने यहाँ भी रेड लगाई थी तो हम ये लास्ट में भी यहाँ पे रेड लगाएंगे। ये भी हम यहाँ पे सिलाई करके ऐसे लगाते हैं। अगर कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो उसे हम ऐसे फोल्ड करके फिर लगा लेंगे यहाँ पे। ये स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब हमारा डोरमेट कंप्लीट हो गया है, इस तरह से बना है। ये हमारी बैक साइड है, यहाँ हमारी सारी सिलाइयाँ आई हैं। अब ये साइड है हमारी, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से दो सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये साइड हमारी मजबूत हो जाएंगी। इस साइड में भी ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमारी ये सिलाई आई है। इस सिलाई लगाने से क्या है, ये हमारे निकलेंगे नहीं, एकदम हमारे सेट हो जाएंगे। अब देखिए हमारा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। ये हमारी बैक साइड है, ये हमारे साइड के ये धागे हैं, इनको हम बराबर रख के काट लेंगे। इस साइड के भी, ये साइड के धागे भी मैंने कट करके एकदम इक्वल कर लिया है। ये हमारा डोरमेट बन के रेडी है। इस डोरमेट को हम बड़ा या छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये डोरमेट है, इसका हम चटाई भी बना सकते हैं, कुछ दरी वगैरह भी हम इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मजबूत हमारी ये दरी बनेगी। और हम जैसे योगा मैट भी बना सकते हैं, कुछ भी अपने इमेजिन से हम इसका बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पुरानी टी शर्ट्स ली हैं, यहाँ पे हम पुराने दुपट्टे या हमारे पुराने सूट वगैरह हैं, ड्रेसेस, उनको भी हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितने ही इजी ढंग से हमने ये पुरानी टी शर्ट से डोरमेट रेडी कर दिया है, कितना ही प्यारा हमारा डोरमेट लग रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।